बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब मोबाइल मार्केट से आपके साथ लाइव हूँ जी। आपको दिखाऊंगा आज दो बिल्कुल न्यू मोबाइल हवावे वालों के। आप भाइयों के साथ मैं भाई यूज़ेबल मोबाइल की बहुत सी वीडियो शेयर कर चुका हूँ। आज भाई आप भाइयों के साथ आपके कमेंट को देखते हुए मैं आपके साथ दो मोबाइल की एक साथ ही वीडियो लेकर हाजिर हूँ जी, हवावे वालों के, यानी कि हवावे Y8P और हवावे Y9 Prime। तो ये मोबाइल मेरे हाथ में है जो इस वक्त ये है जी, हवावे Y8P। इसका भाई आपको व्यू और प्राइस बताऊंगा, उसके बाद चलेंगे जी हवावे 9 Prime की तरफ। तो लुकिंग वाइज देख लीजिए, मोबाइल काफ़ी खूबसूरत है, मुझे इसका ये कलर बहुत पसंद है। अगर नीचे से बात करें तो स्पीकर ग्रिलिंग छोड़ी गई है, चार्जिंग की जगह छोड़ी गई है, वहाँ पर चार्जिंग लगा हुआ है जी हवावे वालों का खुद से, वरना मैं भाई आपको करीब से वो भी दिखा देता। इस साइड की बात करें तो वॉल्यूम अप डाउन का बटन है और पावर ऑन ऑफ का बटन छोड़ा गया है इस साइड पर, और कुछ नहीं है इसके अलावा। ये दोनों चीज़ें एक साइड पर ही रखी गई हैं और ये अच्छा किया गया है। बैक से मोबाइल बिल्कुल ओके है जी, प्लास्टिक की बॉडी, ये मैं आपको कंफर्म करता चलूं। इस साइड पर आप अपनी सिम लगा सकते हैं, यानी कि ड्यूल सिम और एक मेमोरी कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर वाली साइड पर आप भाई आप अपनी हैंड फ्री लगा सकते हैं। इसके बॉक्स के अंदर से आपको भाई हैंड फ्री मिल जाएगी, ये मैं आपके साथ कंफर्म करता चलूं। अभी चलते हैं जी इसके मेन कैमरे जो बाइक पर हैं उनकी तरफ। तीन कैमरे मेन बैक साइड पर रखे गए हैं, जिनमें से मेन कैमरा इसका भाई 48 MP का, यानी कि 48 MP का है। साइड में दूसरा कैमरा 8 MP का रखा गया है और तीसरा कैमरा 2 MP का रखा गया है। नीचे फ्लैश लाइट दी गई है, तीन कैमरे पर बैक साइड पर रखे गए हैं और इनके नीचे भाई हवावे वालों का लोगो लिखा हुआ है, मेड इन चाइना। हवावे के टोटल मोबाइल तो मेड इन चाइना ही होते हैं, ये तो आप सब भाइयों को पता होगा। चलते हैं जी फ्रंट साइड की पर, तो डिस्प्ले इसका भाई कमाल का डिस्प्ले है, मुझे बहुत पसंद आया है। आप यकीन करिए मैं हवावे 9 Prime भी देख चुका हूँ, उसका रिव्यू भी करता हूँ, लेकिन मुझे डिस्प्ले इसका उससे भी अच्छा लग रहा है। अगर सेल्फी कैमरे की बात करें तो देख लें जी आप, 16 MP का इसका सेल्फी कैमरा रखा गया है और आपको फेस ID भी, ये आपको लॉक, यानी कि आप अगर फिंगरप्रिंट स्कैनर इस्तेमाल करना चाहते हैं या फेस आईडी अपनी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है इस मोबाइल में। बैक कैमरा मैं अभी आपको चला के दिखा रखा हूँ, इसका मेन कैमरा यानी कि 48 MP का इसका मेन कैमरा है जी बैक, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, उसका रिजल्ट वगैरह तो बिल्कुल ओके है जी। कैमरे तो हवावे माशाल्लाह खूबसूरत ही रखता है, आदमी अगर खूबसूरत ना भी हो तो फिर भी कैमरों के जरिए हवावे के थ्रू आदमी खूबसूरत ही हो जाता है। तो अभी चलते हैं हवावे Y9 Prime, जो लुकिंग वाइज बहुत खूबसूरत है, ग्रीन कलर में मेरे पास अवेलेबल है जी, यानी कि 4 GB रैम और 128 GB स्टोरेज में। इससे पहले मैं आपको भाई ये बता दूं, जो मैंने हवावे Y8P आपको दिखाया है उसकी भाई 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज थी। तो इस मोबाइल की भाई आपको कंडीशन रिव्यू छोटा सा बताता हूँ, उसके बाद आपके साथ प्राइस शेयर करूँगा। इसका सेल्फी कैमरा आप सब भाइयों को पता है अप डाउन ऊपर से ही निकलता है, डिस्प्ले के अंदर या डिस्प्ले के ऊपर नहीं होता है। अगर नीचे से बात करें तो मोबाइल ये बिल्कुल ओके है जी, कोई किसी से स्पीकर ग्रिलिंग और चार्जिंग वगैरह की जगह छोड़ी गई है। डिस्प्ले की बात करें तो इसका फुल डिस्प्ले है जी, यानी कि 6.6 इंच का डिस्प्ले ही बोल रहे हैं इसका, जो भाई कमाल का आपको रिजल्ट देगा। और अगर इसके सेल्फी कैमरे की बात करें तो 16 MP का रखा गया है, और अगर इसके बैक पर जो कैमरे दिए गए हैं उनमें भाई मेन कैमरा इसका 16 MP का है और दूसरा कैमरा 8 MP का रखा गया है और तीसरा कैमरा भाई 2 MP का रखा गया है। फिंगरप्रिंट स्कैनर इसकी बैक साइड पर ही दिया गया है, जो कि अच्छी बात है यार, डिस्प्ले के अंदर भी होना चाहिए और अगर बैक साइड पर इस जगह पर हो दरमियान में तो यहाँ से भी टच करना ईजी रहता है। तो डिस्प्ले की बात करेंगे जी, आपके सामने है जी 6.6 इंच का डिस्प्ले, इसका बैक कैमरा मैं आपको चलाकर दिखा रखा हूँ। अभी मैं आपको भाई इसका सेल्फी कैमरा भी चलाकर दिखाऊंगा, वो अप डाउन ऊपर से जो निकलता है और ऊपर से ही अंदर जाता है, यानी कि डिस्प्ले के अंदर वगैरह नहीं है इसका बैक कैमरा, सेल्फी कैमरा। तो देख लें, ये बैक कैमरा आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है यार, 16 MP का हालांकि है लेकिन रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। ये है जी इसका फ्रंट सेल्फी कैमरा, देख लें जी मैं आपको दिखा रखा हूँ, करीब से दिखाता हूँ भाई आपको, 16 MP का रखा गया और ये रिज़ल्ट भाई अच्छा देता है, ये मैंने देखा है, हालांकि ये 16 MP का ही क्यों नहीं है। तो अभी चलते हैं जी इस मोबाइल के प्राइस की तरफ। तो मैं भाई बता दूं आपको, सऊदी अरेबिया में और किसी कंट्री का तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन सऊदी अरेबिया में इस वक्त इस मोबाइल के वो भाई मांग रहा है जी 900 रियाल इस हवावे Y9 Prime के बोल रहा है वो, यानी कि 4 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के। अभी चलते हैं हवावे Y8P के प्राइस की तरफ। तो
6 GB रैम 128 GB स्टोरेज वाला ये मोबाइल जो कि मुझे हवावे Y9 प्राइम से भी अच्छा लग रहा है, इसके भाई प्राइस बोल रहा है जी 850 रियाल, 50 रियाल हवावे Y9 प्राइम से कम ही वो बोल रहा है इस मोबाइल के। लेकिन भाई मुझे लुकिंग वाइज और देखने में ये मोबाइल अच्छा लगा है हवावे Y8P हवावे Y9 प्राइम की नस्बत, क्योंकि ये मोबाइल भाई मुझे काफ़ी यार बेहतर लगा है उसकी नस्बत। आगे आपकी मर्ज़ी है, आपने जो सा भी लेना हो भाई ले सकते हैं। प्राइस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है जी सऊदी अरेबिया से। इन दोनों मोबाइलों के, किसी भी और मोबाइल के मतलब जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।